हैं, क्या पता कब कौन सा क्वेश्चन बन जाए, काली सिंध की सहायक नदी पर्वत नदी, ये क्वेश्चन बन सकता है, ध्यान रखे दोस्तों। पर्वत नदी, पहली बात तो आपसे कोई पूछे कि राजस्थान के अंदर पर्वत जो नदी है वो किस जिले की है, तो आप क्या कहेंगे, भाई साहब ये वैसे तो विंध्याचल पर्वत मध्य प्रदेश से निकलती है और झालावाड़ के अंदर खरीबोर गांव है वहां पर ये प्रवेश करती है। तो मैं लिख देता हूं विंध्याचल, विंध्याचल यानी एमपी से निकल करके राजस्थान के अंदर प्रवेश करी है खरीबोर गांव में, खरीबोर, खरीबोर गांव दोस्तों ये झालावाड़ में है जहां ये प्रवेश कर रही है, ठीक है। और राजस्थान के अंदर ये तीन जिलों में यानी खास तौर से आपके झालावाड़ में, बारा में और कोटा में, इन तीन जिलों में इसका प्रभाव क्षेत्र है, ठीक है, झालावाड़ कोटा बारा में। हाँ इतना जरूर है कि ये काली सिंध में मिलती कहाँ है, बारा में, यानी बारा के अंदर ये काली सिंध में मिल जाती है। तो याद रखें ये आपसे कोई पूछे, क्योंकि वैसे इसका प्रवाह जो है वो तीन जिलों का है, ये तीन जिलों में बहती है, लेकिन ये बारा जिले के अंदर किसमें मिल जाती है, आपकी पर्वत नदी जो है वो किसमें मिलती है, काली सिंध। तो याद रखें, अच्छा क्वेश्चन है कि यदि आपसे कोई पूछे कि पर्वत नदी जो है वो किस नदी की सहायक है, तो आप बताएंगे काली सिंध की, और ये आपके बारा जिले में किसमें मिल जाती है, काली सिंध। अब दोस्तों पर्वत नदी वो नदी है जिसके किनारे शेरगढ़ वन्य जीव अभयारण्य है, पर्वत वो नदी है जिसके किनारे शेरगढ़ का किला है बारा, ये दोनों क्वेश्चन कई बार आ चुके हैं। तो पर्वत नदी के किनारे कौन है भाई, शेरगढ़ का किला बारा अर्थात शेरगढ़ वन्य जीव अभयारण्य, वेरी इंपोर्टेंट है, ठीक है। अब हम थोड़ी देर पहले निमाद नदी पढ़ के आए थे, है ना, निमाद जिसको हम नेवद नदी भी कहते हैं, और वो रियल में इसकी सहायक नदी है दोस्तों। निमाद जो है, निमाद नदी, इसका एक और नाम मिलता है नेवद नदी। निमाद या नेवद नदी किसकी सहायक नदी है, पर्वत नदी की। हाँ एक और नदी है मध्य प्रदेश के धार के नाम जो जिला है उसके नाम पर उस नदी का नाम है धार नदी, तो वो भी इसकी सहायक नदी है। तो आप लिख सकते हैं पर्वत नदी की दो सहायक नदियां जिसमें निमाद नदी अर्थात नेवद नदी और दूसरा है धार नदी और तीसरी है छांपी नदी। दोस्तों छांपी, ये तीन नदियां पर्वत नदी की सहायक नदी, ठीक है। हाँ यदि कभी आपको काली खोप मिल जाए, देखो दोस्तों राजस्थान में काली खोप दो है, एक तो है काली खोप पहाड़ी जिसका संबंध अजमेर मेरवाड़ा से लेकर के दौसा से होते हुए आपके अलवर होते हुए आगरा तक है, भरतपुर होते हुए, है ना, तो वो है काली खोप पहाड़ी। और काली खोप पहाड़ी कर्नल टोड ने इसका मूल स्थान बताया मीणाओं का, वो तो है काली खो। लेकिन काली खो नदी कोई पूछ ले आपसे काली खो, तो आप लिख सकते हो कि पर्वत नदी की एक सहायक नदी है काली खो, आप कर सकते हैं, मैं लिख देता हूं काली खो। तो काली खो नामक नदी पर्वत नदी की सहायक नदी है, तो सीधी सी बात है पर्वत खुद किसकी है, काली सिंध की, और पर्वत की ये सहायक नदियां आप याद कर सकते हैं, ठीक है। चलिए भाई, तो इस प्रकार से ये आपकी सारी नदियां खासतौर से पर्वत और उसकी सहायक नदी।